झारखंड के लोहरदगा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते दिनों हुए मूसलाधार बारिश की वजह से पुल बह गया। अब पुल बह जाने के बाद की तस्वीर सामने आई है, जरा देखिए किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिले के ऐसे कई गांव हैं जैसे कि पेशरार, बुलबुल, इन सभी का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जो जानकारी मिल रही उसमें बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग नौकरी करने के लिए अपने ऑफिस तक नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर DDC ने पूरे मामले की जांच की है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द वापस से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। बता दें लोहरदगा का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाका पेशरार प्रखंड के बुलबुल, केरार, दुब्बू आदि गांव का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। दुब्बू में और पेशरार बुलबुल सड़क पर पिछले दिनों हुई बारिश में दो पुल बहे हैं। बारिश थमने के बाद साइकिल और बाइक किसी प्रकार से गुजर रहा है, लेकिन अगर फोर व्हीलर की बात करें तो उसका आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक, मेडिकल कर्मी और अन्य सरकारी कर्मी भी अपने रूटीन कामों पर जाने में उन्हें परेशानियां हो रही हैं। प्रखंड, जिला मुख्यालय या कोई और जगह जाना हो तो स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये एक इकलौती सड़क है जिसके जरिए प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क जुड़ता है। दूसरा कोई विकल्प का रास्ता अब लोगों के पास नहीं बचा है। बता दें क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव और टोले अलग 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 थलग पड़ गए हैं। बीमार और गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो गांव तक गाड़ी भी नहीं पहुंच पा रही है। गौरतलब है कि बुलबुल वही इलाका है जहां 2 साल पहले सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन डबल बुल चलाया था। नक्सलियों की मजबूत पकड़ के कारण इसे नक्सलियों का सुरक्षित जोन माना जाता था, लेकिन ऑपरेशन डबल बुल के बाद नक्सली बैकफुट पर आ गए। सड़क संपर्क टूटने से एंटी नक्सल ऑपरेशन पर भी असर पड़ सकता है। ये सूचना मीडिया के माध्यम से मुझे मिली। सबसे पहली चीज कि इसमें इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि पिछले लगभग 2 हफ्ते पहले जब लगातार बारिश हुई थी उसकी वजह से कुछ हमारे जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हुए और एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से ये हुआ है। सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी इसको रिपेयर वर्क हम लोग इमिडिएटली स्टार्ट करें ताकि आवागमन जो है लोगों का वो बाधित ना हो। सेकेंडली अगर उसके अंदर मेजर ओवरहॉल करना होगा तो उसको हम लोग इमिडिएटली उसका एस्टिमेट बनाकर विभाग में भेजेंगे ताकि जल्द से जल्द सेंक्शन होकर उसमें काम चालू हो सके। इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, इलेक्शंस भी नज़दीक है। आवागमन के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से वी आर वरीड। हमारी प्रायोरिटी है कि इसको हम लोग इमिडिएटली रिजॉल्व कराएं। दुग्गू नदी का पुल है, कलश डुबुआ पुल बोलते हैं। इसमें जो कर्मा के लगभग बारिश काफ़ी लगातार लंबा समय से बारिश हुआ और बहुत ज़ोरदार बारिश हुआ, उसमें काफ़ी पुल ख़राब हो गया है। इसमें हम लोग का पेशरार प्रखंड हुआ, पंचायत का काम सारा इधर ही होता है। इसमें आने का बहुत रास्ता ख़राब हो गया है, तो हम लोग का इसमें सारा काम इधर से होता है और दूसरा रास्ता कोई नहीं है इधर से आने जाने का।